मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि किसी फॉरेन कंट्री में जाना है अपनी पढ़ाई करने, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएस, तो आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ आने से पहले आप वहीं तैयारी कर सकते हैं और वो आपकी जर्नी को काफ़ी हेल्प करेगी जब आप फॉरेन कंट्री में स्टडी करने के लिए आ जाएंगे। आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी YouTube पे जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको कंबल, यूटेंसिल्स, शूज़ कितने लाने चाहिए, आपको मेडिसिन लानी चाहिए और आपको नोटबुक्स लानी चाहिए। लेकिन जो मुझे कमी लगती है कि आपको ये बहुत कम वीडियोस में बताया जाता है कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको अगर आप कौन सी भी फॉरेन कंट्री जा रहे हैं अगर उसे यहाँ लेकर आएँ तो आपकी काफ़ी मदद हो सकती है। तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा। सो जौन सी भी चीज़ें आपको यहाँ लानी चाहिए उनमें से सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेज्यूमे आपको बहुत हेल्प करेगा एक इजी, एक अच्छी और एक लॉन्ग लास्टिंग जॉब मिलने में। 4 साल के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब भी मुझे अच्छी जॉब मिली है वो एक रेज्यूमे के बेस पे ही मिली है, क्योंकि यहाँ सारी जॉब्स एप्लीकेशंस ऑनलाइन होती हैं तो लोग ऑनलाइन रेज्यूमे डालते हैं। लेकिन अगर आपको किसी और एप्लीकेंट से कोई स्टैंड आउट करके दिखा सकता है तो वो है आपका रेज्यूमे। ये है मेरा पर्सनल रेज्यूमे, ये डिजिटल रेज्यूमे है। अगर मैंने किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे डालना हो तो मैं ये डालता हूँ। मैं इसकी एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा कि एक अच्छा रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। अगर आपको यहाँ आते ही जॉब चाहिए तो इंडिया में आप जब भी आइल्स कंप्लीट कर लो रेज्यूमे बिल्ड पे काफ़ी ध्यान दो। YouTube पे काफ़ी वीडियोज़ हैं जो आपको अच्छे रेज्यूमे के बारे में बता सकती हैं। इवन फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू दैट मेरा एक दोस्त आया था, वो 1 महीने पहले आ गया था, तो उसने दूसरे शहर मूव होना था। उसका रेज्यूमे पे हमने दोनों ने काम किया, रेज्यूमे अप्लाई किया अलग अलग जॉब पे और उसका कॉलेज शुरू होने से पहले ही उसको जॉब मिल गई थी ताकि वो कॉलेज के पहले दिन से ही जॉब जा सकता था। प्लीज फोकस ऑन योर रेज्यूमे बिफोर यू कम टू फॉरेन कंट्रीज, रेज्यूमे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। नाउ एवरीबॉडी नोज दैट जब भी हम फॉरेन कंट्री आते हैं तो आइल्स करके आते हैं या फिर कोई इंग्लिश स्पीकिंग का टेस्ट देकर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप अपने डेली इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पर काम करोगे तो आपको जॉब मिलने के मौके और भी बढ़ जाएंगे। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैंने कई बच्चे देखे हैं जिनका रेज्यूमे इतना स्ट्रांग नहीं था और बावजूद उनके जो दोस्त होते हैं जिनका रेज्यूमे काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, उनको जॉब नहीं मिलती, दूसरे लोगों को जॉब मिल जाती है जिनका रेज्यूमे यू नो मीडियम स्ट्रांग होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ओनली फैक्ट कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बढ़िया होते हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग के बेस पे जज नहीं करने वाला, आपको लोग इसी बेस पे जज करने वाले हैं कि आप अपने जो फीलिंग्स हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और कितने अच्छे से अगले के आइडियाज़ और फीलिंग्स को रिसीव कर पाते हैं, समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो गाइज प्लीज बिल्ड योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स व्हाइल यू आर इन इंडिया बिफोर यू कम टू कैनेडा, दे आर गोना हेल्प यू गो अ लॉन्ग 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 वे। तो अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को अच्छा करने के लिए आप सभी के पास आज फोन है, गो फॉलो आइल्स, टोफल के ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे उनको फॉलो कीजिए, आप अच्छे अच्छे ब्लॉगिंग साइट्स को फॉलो कीजिए, रीड कीजिए, कुछ भी अखबार रीड कीजिए, कुछ भी रीड कीजिए, क्योंकि वहाँ से जो इंग्लिश है वो आपको डेली यूज वाली इंग्लिश को पढ़ने का मौका मिलता है, ना कि कोई ऐसे हो या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो। इन चीज़ों से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स काफ़ी आगे लेके जा सकते हैं। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन लोगों के लिए जिनका कोई कनेक्शन नहीं है बिफोर दे कम टू फॉरेन कंट्री। इन लोगों के लिए मेरी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, यूज सोशल वेबसाइट्स, गो ऑन फेसबुक, गो ऑन इंस्टाग्राम, आपको वहां पे काफी ग्रुप्स मिलेंगे, आप अपने कॉलेज का नाम लिखिए, स्टूडेंट्स इन फ्लेमिंग कॉलेज, स्टूडेंट्स इन शेरडन कॉलेज, कोई भी कॉलेज है आपका किसी भी कंट्री में है, उस फेसबुक की सर्च बार में टाइप कीजिए, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां जाकर अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी अपने अर्ली डेज में, ये आपको ना ही जॉब ना ही पढ़ाई, आपका टाइम भी बचाएंगे और आपके पैसे भी बचाएंगे। सो गो ऑन दीज सोशल वेबसाइट्स एंड यूज दीज सोशल वेबसाइट फॉर योर अर्ली डेज इन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। नाउ ये जो पॉइंट है ये आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा बट मुझे नहीं लगता कि ये इनफ फोकस दिया जाता है इस पॉइंट पे। इफ़ यू कैन, अगर आप इंडिया में अभी भी हो, आपके पास 6 से 7 महीने आने के लिए, गो गेट सम रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग
इन एनी मिनियल जॉब्स। अगर आपका बिजनेस है तो उसी में कुछ ना कुछ स्किल सीखिए, आपको बहुत मदद होगी। मैंने ट्रक मैकेनिक की जॉब की थी, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने की थी, जो मैंने अपने रेज्यूमे में डाली। जब मैं यहाँ आया तो मेरे पहले ड्रॉप जो था, पहले वेकेशन जो थी पढ़ाई के दौरान, उसमें मैंने एक अच्छी जॉब ढूंढ ली थी एज असिस्टेंट टायर मैकेनिक। उसकी पे भी काफ़ी अच्छी थी, बेनिफिट्स भी बहुत थे और वो कंपनी भी काफ़ी अच्छी थी। जस्ट बिकॉज मैंने 1.5 महीने एक असिस्टेंट ट्रक शॉप पे काम किया था, जहाँ मैंने लिटरली इट वॉज जस्ट क्लीन अप्स, यू नो, टाइटनिंग स्क्रूज, मैंने ये सब सीखा था जो कि कोई भी सीख सकता है। मैंने अपने रेज्यूमे पे डाला था और थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के कारण मेरे को बहुत बड़ी हेल्प मिली थी। सो कोई भी जॉब हो, अगर आप कुछ भी स्किल सीख सकते हैं, अकाउंटिंग हो, टाइपिंग हो, हेयर कटिंग हो, अगर आपके पास है वो अप्रोच की आप सीख सकते हो, ज़रूर सीखिए। यहाँ आके आपको उसका काफ़ी वर्थ मिलेगा। लड़कियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो लड़कियाँ मेकअप में इंटरेस्टेड हैं, कई लड़कियाँ मेकअप में इंटरेस्टेड होती हैं, उनको वहाँ से मेकअप की टेक्निक सीख के आने चाहिए। मेरे दोस्त के फ्रेंड सर्कल में एक लड़की है जो आईलैश एक्सटेंशन का काम करती है, वो इंडिया से सीख कर आई थी। यहाँ वो पढ़ाई उस के अकॉर्डिंग नहीं कर रही है, क्योंकि उसको वीज़ा के लिए एवरी स्टूडेंट डज दैट एंड आई नो दैट, बट उसका लॉन्ग शॉट यही है कि वो मेकअप इंडस्ट्री में जाए, और वो अभी स्कूल के साथ साथ काम भी मेकअप एक्सटेंशन लगाने का ही कर रही है। और आप मानेंगे नहीं, इसमें बहुत पैसा है। इसमें ऑलमोस्ट एवरी क्लाइंट $200 to $250 आपको मिलते हैं। सो इफ़ यू कैन लर्न एनी स्किल, सो उन लड़कों के लिए जो वहाँ से ही तैयार होके आना चाहते हैं कि हम जाते ही फॉरेन कंट्रीज में जॉब करना शुरू कर दें, उनको मेरी ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। जौन सी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, वहाँ दोस्त हैं, कोई रिश्तेदार है, तो आप उनको ज़रूर पूछिए। खासकर कैनेडा में जहाँ मैं रहता हूँ, ऑनटेरियो में, वहाँ अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि यहाँ सिक्योरिटी, फोकलिफ्ट और स्मार्ट सर्व का लाइसेंस, स्मार्ट सर्व लाइसेंस उनके लिए होता है जो रेस्टोरेंट्स में अल्कोहल सर्व करना चाहते हैं, तो ये 3 लाइसेंस काफ़ी काम आते हैं। इनमें से 2 लाइसेंस मेरे काफ़ी काम आए थे। फोकलिफ्ट का अनफॉर्चुनेटली लाइसेंस आप इंडिया में नहीं ले सकते, क्योंकि आपको ड्राइव करना सिखाना पड़ेगा, लेकिन सिक्योरिटी और स्मार्ट सर्व ये भी आप वहाँ इंडिया में ले तो नहीं सकते, लेकिन क्योंकि इसका रिटन टेस्ट होता है, तो आप रिटन टेस्ट वहाँ से ही पहले से ही तैयारी करके आ सकते हैं, ताकि आते ही पहले महीने, पहले 1.5-2 महीने में आप ये जॉब सिक्योर कर लें, लाइसेंस सिक्योर कर लें। लाइसेंस सिक्योर करने के बाद आप एक जॉब सिक्योर कर लें। सो ये आपको ना ही आपका टाइम, आपका पैसा भी काफ़ी बचाएगा, जो आप शुरू के महीने जॉब ढूंढने में लगा दोगे। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू कैन आस्क एनीवन, किसी को भी पूछ लीजिए, सिक्योरिटी जॉब इज़ द बेस्ट जॉब ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ। ना ही आपको अच्छी पे करती है, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, और आपको रिस्पेक्ट भी काफ़ी मिलती है। तो सिक्योरिटी इज़ बाई फार द बेस्ट जॉब विच आई हैव सीन इन कैनेडा वाइल यू आर स्टूडेंट। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी लोग स्मार्ट सर्व का लाइसेंस लेना चाहते हैं, वो वहीं से ही ऑनलाइन ले सकते हैं, एज फार एज आई नो। मैं दोनों चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप सिक्योरिटी के टेस्ट की जो क्वेश्चन एयर है, क्वेश्चन आंसर्स है, उसकी तैयारी पहले से ही कर सकें। और सेकंड थिंग, जो स्मार्ट सर्व का है, उसका भी लिंक डाल दूंगा, ताकि उसके भी क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी आप पहले ही कर सकें, आपका टाइम वेस्ट ना हो यहाँ पर। सो जो भी लोग 18 साल या 18 साल की कम की उम्र के हैं, उनको मेरी स्ट्रॉन्ग ये सजेशन है कि प्लीज़ वहाँ ड्राइविंग सीख कर आइए। कार ड्राइविंग, लड़के हो, लड़कियाँ हो, कोई भी हो, ड्राइविंग सीख कर आइए, आपको ये बहुत मदद करेगी। अगर आपने पहले कभी ज़िंदगी में गाड़ी नहीं चलाई है, ड्राइविंग नहीं की है, तो यहाँ आके ड्राइविंग किसी ना किसी स्टेज पे तो आपको सीखनी ही पड़ेगी पहली बार। और अगर आप सीखेंगे तो यहाँ ड्राइविंग के कॉस्ट, लेसन्स हैं इंस्ट्रक्टर के, वो काफ़ी हाईली प्राइस है। जब मैंने ड्राइविंग के लेसन सीखे थे, तब इट वॉज लाइक $25 एन आवर, एंड राइट नाउ इट्स $30 to $35 एन आवर। सो आपको काफ़ी महंगी पड़ती है, लेकिन अगर वहाँ से आप सीख कर आएँ, तो यहाँ आकर आप कम पैसे में यहाँ के रूल्स सीख सकते हैं, और यहाँ की ड्राइविंग से आप फेमिलियर हो सकते हैं। सो 18 साल या 18 साल से कम की उम्र के जो भी लड़के लड़कियाँ, ड्राइविंग ज़रूर सीख कर आएँ। और जो लोग, जिनके पास पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस है इंडिया का, जिनके पास एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो कनाडा में जब भी आएँ, तो अपना लाइसेंस और एब्स्ट्रैक्ट, ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट साथ लेकर आएँ। ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट इज़ मोर और लेस
अ पीस ऑफ पेपर जो वहाँ की जो भी ड्राइविंग अथॉरिटी है आपके लोकल म्यूनिसिपल की, उसके लेटर हेड पे एक चिट्ठी लिखी होती है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में लिखा होता है और उस पर डेट स्टैम्प लगी होती है। सो ये दो चीज़ें अगर आपके पास 2 साल का ड्राइविंग वैलिड ड्राइविंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ लेकर आएँ। अगर जितनी जल्दी आप यहाँ ड्राइविंग का लाइसेंस ले लेंगे आपको जॉब्स में काफ़ी मदद होगी। और अगर आपको ऐसी जॉब मिलती है जिसमें ड्राइविंग मैंडेटरी है, जिसमें लाइसेंस चाहिए, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप वीडियो के इस सेक्शन तक पहुंच गए हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, एंड सेकंड ऑफ ऑल सारी वीडियो भूल जाइए, सारी वीडियो, आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने पहले बताया है। ये चीज़ बिल्कुल मत लेकर आइए, मुझे नहीं लगता आपको ये, इससे ज़्यादा मैं स्ट्रेस दे सकता हूँ इस बात पे कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं लाएगा। और ये चीज़ मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये बहुत भारी चीज़ है, इसको मत लेकर आइए, इसको फेंक दीजिए। ये चीज़ है एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें यहाँ मत लेकर आइए। आपकी सारी उम्मीदें शुरू शुरू में टूट सकती हैं, ज़रूरी नहीं है, कईयों का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जो मैंने देखा है लोग काफ़ी उम्मीदें लेकर आते हैं, मैं भी काफ़ी उम्मीदें लेकर आया था। और आपको मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ता है शुरू के दिनों में, शुरू के 1-1.5 साल में, ड्यूरिंग योर स्टडीज़, इफ़ यू डोंट हैव एनी फ्रेंड और रिलेटिव हियर, अपनी उम्मीदों को बैग में मत लेकर आइए, ये आपके बैग का लोड भी घटाएगा और आपके दिमाग से काफ़ी टेंशन भी हटाएगा। सो डोंट फॉरगेट गाइज, anyone who has watched this video until now, try to bring driving license if you have it, try to learn driving, learn English speaking skills, try to get your resume, try to socialize in the FB groups, Instagram groups, अपने college के, अपने community के। अगर आप यहाँ आकर जल्दी job करना चाहते हैं तो security license, smart serve license, जिसके मैंने links दिए हैं नीचे, उसकी तैयारी करके रखिए। और expectations बिल्कुल मत लेकर आइए, आप बहुत खुश रहेंगे यहाँ आकर। मैं आपको यहाँ ये बताने आया हूँ कि जौन सी आप वीडियोस देख, नहीं नहीं, सबसे पहले वो आपका रेज्यूमे देखते हैं। थैंक यू गाइस।